यार वाश है नहीं, किधर है यार ये हमारा बंदे को करा जा, वो कह रहा निकालो इसको बाहर ले ले पैरों पे गली के हालात चेक करो, यहाँ से मैं निकाल के गया हूँ गाड़ी। ऐसे तो नहीं ना करें यार, एक एक अच्छा इधर खानी है। हाँ चार क्या सलमान भाई ने सिर्फ खाने चार प्लेट ने पड़ा है तो, लेकिन ये क्या हुआ पड़ा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वी आर फाइनली बैक विद एन अदर व्लॉग। सब कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं भाई ठीक होंगे, खैर खैरियत ही होंगे। वेलकम बैक हो गए तुम सबका अंदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि मैं आया हुआ हूं लुंडन। आज है संडे तो आज मैंने निकलना है किधर लाहौर के लिए, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बज रहे हैं और गाड़ी के जो हालात है ना भाई सब फुल खराब है। सर्विस स्टेशन पे मैं पहुंचाया हूं, लेकिन गर्मी जो है ना भाई साहब आपको क्या बताऊं। फिलहाल आप गाड़ी के हालात चेक करो कितनी मट्टी है, कि तो मैं अभी घर से कपड़ा मार के इसको आया था तो इतनी साफ लग रही है, वरना ये देखो भाई साहब ये हालात, इसके चेक करो भाई आप। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, चिकनी हो जाएगी। चलो यार शेडो हो गई है तकरीबन सेट, थोड़ी सी रह गई है, अब आगे से जो है ना भाई सब कपड़ा मार के इसको खुश्क कर देंगे, बाकी सारी पीछे से होगी। और क्या लग रही है फिलहाल गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, पसीना आप लोग देखो। जल्दी जल्दी बैठते हैं और एसी ऑन करते हैं भाई साहब, इतना ही धाब सीटे फुल गर्म है इस टाइम भाई। एसी पहले ही ऑन था, पसीना आप लोग देखो, एसी चल गया ना भाई साहब, चस आ गई है, सुकून आ गया। चलो यार अपनी शेड हो चुकी है बिल्कुल फ्रेश, अभी जो है ना दो काम रह गए, इसके जो टायर थे ना उनकी हवा फुल करवा लेते हैं, फुल तो है लेकिन चेक करवा लेते हैं, कम ना हो या ज्यादा ना हो उनको चेक करवा के फिर एटीएम से पैसे निकलवाएंगे, कुछ पैसे घर देने हैं और कुछ मैंने अपनी जेब में रखनी है। चलो भाई साहब इधर से जो है ना हवा वगैरह फुल करवा लेते हैं। अब इसके काम देखो, ये वन वे आ रहा है और है भी बच्चा, अब बंदा क्या कह सकता है, कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ से जो है ना हवाएं फुल कराते हैं गाड़ी की। आ गया, आजा 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 आजा, ओए होए होए, पैसा ही पैसा भाई। सारे काम करवा के मैं घर आ चुका हूँ, फिलहाल आप गली के हालात चेक करो। यहाँ से मैं निकाल के गया हूँ गाड़ी और इतनी मुश्किल से निकाली ना, तब ये वाली जो लेन है ना ये इंटो की, ये नहीं पड़ी थी, ये थी, ये सारी नहीं पड़ी थी तब, तो शुक्र है निकल गई थी, अगर ये पड़ी होती तो फिर मैं शाम को ही निकलता। तो यार मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी जो है ना पंप पे आया हूँ पेट्रोल डलवाने, पेट्रोल डलवा के फिर मैं जाऊँगा अभी सलमान को पिक करूंगा, सलमान को पिक करके फिर विहाड़ी, विहाड़ी से उस्मान को पिक करेंगे, फिर निकलेंगे लाहौर की तरफ। चले यार फाइनली शर्मा क्यों रहे हो, शर्मा भाई क्या बात है, सलमान भाई, सलमान भाई को मैंने पिक कर लिया है और देखो इतफाकन मेरे कपड़े सलमान भाई के कपड़े भी सेम हो गए हैं। बट अभी जो है ना हम लोग लुंडन से निकलने वाले हैं और चल के उस्मान को पिक करते हैं। और अभी जो है ना विहाड़ी से हम लोग कितना दूर है, कोई 5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर रह गया विहाड़ी, और इधर जो है ना सरदाई वगैरह वाले खड़े हैं। यार गाड़ी छांव पे किधर लगाए, चलो इधर साइड पे लगा लेते हैं, यहाँ पे डबल इंडिकेटर ऑन, इसको इधर, इसको इधर, आपने बड़ा गिलास छोटा गिलास, छोटा छोटा भाई, दो गिलास बड़े कर दियो ठीक है, ते अच्छी तरह धोते साफ कर दे। चलो यार सलमान भाई, हाँ जी यार ये गिलास आपने धोए नहीं यार, ये भाई से देखें, ऐसे तो नहीं ना करें, ये वो वाले दिखाएं, अच्छी तरह धो के देना यार ये। ए ओए यार सलमान भाई, मोए मोए, अब इसको पी ले जल्दी से। फाइनली हम लोग हो चुके हैं यहाँ से फ्री और सलमान भाई अभी गाड़ी को साफ कर रहे हैं बैठ के, अब जो है ना निकलते हैं आगे उस्मान की तरफ और देखते हैं क्या सीन है, पहुंचाए हैं मामू के घर, देखते हैं अब आगे क्या सीन है। यार हमें दही बल्ले वाले नहीं मिल रहे यार, वो सामने, मैंने कहा यार जो है ना मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ तो दही बल्ले खा लेते हैं क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, 12-1 बज रहे हैं। ये रहे ये रहे ये रहे, यहाँ पे रोक लेते हैं एक साइड पे, किधर यार छोटी प्लेट दही बल्लों की कर दे, एक एक इधर खानी है। हाँ चार क्या सलमान भाई ने सिर्फ खाने चार प्लेट ने सलमान भाई यार अभी ये देख लें यार, मतलब ये सलमान दो खाएगा और एक एक उस्मान और मेरी, यार वो भी पकड़ लो मसाला और कुछ नहीं, पानी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं फिलहाल बड़ा
अब कर लो नहीं। बहुत मजे के यहाँ खाते हैं निकलते हैं। भाई अब खा पी के हम लोग निकल चुके हैं अब अपने सफर की तरफ बिस्मिल्लाह पढ़ के, और देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 4 घंटे लगेंगे है ना गाइस। मेरी बात सुने, एक इमरजेंसी हो गई है, पेट्रोल हमने डलवा लिया लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक पंप पे रुकना है, पेट्रोल पंप पे। आप समझ जाएं क्यों रुकना है, क्योंकि एक बंदा पीछे बैठा है उसने शुशू करनी है। हाँ इसे पूछ लो यार वॉशरूम, यार आपको कहीं वॉशरूम नजर आ रहा है वैसे? एक मिनट यार, सर्दी लगी बैठी यार ये शीशक मैं जी मुझे यार वॉशरूम नहीं किधर है यार, ये हमारा बंदे को करा या वो कह रहा निकालो इसको बाहर ले ले पैरों पे मुझे अपने घर जाना है नहीं नहीं वो खुद कर लेगा, बस वॉशिंग दिखा दो क्या कहता है वो पैरों पे बिठा दो यार अभी हम लोग आ चुके हैं अब्दुल हकीम इंटरचेंज, देखना ये लाहौर ही लिखा हुआ इस्लामाबाद नहीं लिखा हुआ ना। चलो जी चलो चलो जान दो भाई, जाने दो। चलो यार सलमान भाई ऐसे करो आप आ जाओ ड्राइविंग सीट पे, मैं थक गया हूँ यार। क्या बात है यार, चलो यार सलमान भाई अभी आ रहे हैं ड्राइविंग सीट पे बिकॉज मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। अब सलमान भाई चलाएंगे और बैठते हैं हम लोग फ्रंट पे, सुकून से गाने सुनते हैं और चिल मारते हैं। क्या बात है, अभी जो है ना सलमान भाई ये पीछे टैंकर आ रहा है ना इसमें गाड़ी घुसाने लगे थे। सलमान भाई मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है यार, हमने गाड़ी वो कैरी वाले के पीछे लगा दी बिकॉज उसने इतनी सारी गाड़ियों की जगह खाई हुई है। एक इस तरह नहीं लगा, इस तरह लगा दी ताकि दूसरी गाड़ियां ना खड़ी हो। अब हमने उसके पीछे लगा दिया, अब वो आएगा हमारा इंतजार करेगा फिर ही जो है ना जाएगा, तब तक हमारी गाड़ी पीछे। लेकिन हमारे पास कोई और जगह थी ही नहीं गाड़ी लगाने को, यही जगह थी। तो अभी चलते हैं अंदर, वो गया उस्मान कुछ खाने पीने का उठाते फिर घर चलते हैं। वो खड़ी है हमारी गाड़ी, ओए कैरी वाला निकाल गया। चलो भाई साहब फाइनली आ चुका है टोल प्लाजा, टोल प्लाजा नहीं आया, हम लोग आ चुके हैं और अभी जो है ना हम लोग इंटर होने वाले हैं, अभी हम लोग इंटर होने वाले हैं लाहौर के अंदर। घर पहुंच गए हैं और मेरा फोन भी बंद होने वाला, बाकी इन्होंने फॉर्च्यूनर को ढक के खड़ा कर दिया सेफ्टी में। क्या बात है भाई, सेफ्टी हो रही है। बाकी ये जो नीचे आपको फूल नजर आ रहे हैं ना, ये सुल्तान भाई के भाई की बारात थी तो ये गाड़ी डेकोरेट होके गई थी। फिलहाल वो सामने कौन खड़ा है, आ रहे हैं हम लोग आ रहे हैं भाई जान। फिलहाल चलते हैं ऊपर, फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, खाना खाते हैं, फोन धोने वाला है बंद, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे जब फोन चार्ज हो जाएगा। चलो भाई साहब अभी दिन हो चुका है दूसरा, रात शाम को जब हम लोग पहुंचे थे उसके बाद मैंने फोन चार्ज किया, खाना खाया और फिर हम लोग रात 12 बजे के नजदीक सो गए थे। उसके बाद मैं अब उठाऊँ और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11:45। फिलहाल देखते हैं फ्रिज में कोई शेक वगैरह या कुछ खाने पीने का पड़ा है तो, लेकिन ये क्या हुआ पड़ा है। एक बार को मैंने उठा दिया है, अभी आप किचन को साफ कर लेगा और हमें कोई शेक वगैरह बना के दे देगा, तब तक वेट करते हैं। फिलहाल ये वाला व्लॉग एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर नहीं भी आया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि हमारे जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएं। भाई साहब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।